बार बढ़िया मोकामा है, समझ गए ना। अच्छा अच्छा के पसेना छोड़ा देता है। अब ज्यादा नहीं बोल भाई, अब जमानत याचिका खारिज हुई है। अब जो है सो कि हम लोग वकील के साथ बैठ के फिर आगे का क्या रणनीति है उसको तय करेंगे। अभी तो कल ही तो जमानत याचिका खारिज हुई है पत्रकार साहब, अब तो इस पर दो चार दिन की क्या लिस्ट निकलता है, क्या कह के जमानत याचिका खारिज किया गया है, इस पर जो हम लोग वकील साहब से राय लेंगे उसके बाद ही ना आपको कोई जानकारी हम देंगे। मेरा जन समर्थन नहीं था, आप वीडियो मेरा नहीं देखे हैं, हैं? एक गांव में छह छह विधायक घूम रहा था, झुंड में कौन घूमता है, झुंड में कौन घूमता है आपको ही पता होगा, अब अकेले कौन घूमता है, शेर अकेले घूमता है। जन समर्थन है तबे ना बौड़ाल है सब, उतना उतना विधायक मंत्री सब वहाँ अड्डा गाड़े हुए, टेंट समियाना लगाए हुए हैं 25 दिन से राष्ट्रीय अध्यक्ष सब लोग। दे जाके नीरज कुमार से दिन भर बोलता है, उससे पूछिए कि तुम्हारा गांव है, तुम क्या किया अपना गांव के लिए आज तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज, ब्रजेश कुमार के साथ। हमारे साथ अनंत सिंह के कहे जाने वाले हनुमान है, बंटू सिंह जी हम बात करें, क्या सर उनको जो जो याचिका था वो खारिज कर दिया गया है, क्या लगता है आप लोग? तो लगता है वो तो न्यायालय का मामला है, हम लोग को न्यायालय पर भरोसा है, हम लोग आज तक भरोसा किए हैं न्यायालय पर, और इस पर हमने कि ज़्यादा क्या आपको हम जवाब दें। अब जमानत याचिका खारिज हुई है, अब जो है सो कि हम लोग वकील के साथ बैठ के फिर आगे का क्या रणनीति है उसको तय करेंगे, तब उसके बाद आगे क्या होगा सो आपको जानकारी हम देंगे जो भी होगा सो। क्या आप लोग वकील से फिर लिए थे दोबारा, कब आप फिर दोबारा दायर करिएगा? अभी तो कल ही तो जमानत याचिका खारिज हुई है पत्रकार साहब, अब तो इस पर दो चार दिन की क्या लिस्ट निकलता है, क्या कह के जमानत याचिका खारिज किया गया है, इस पर जो हम लोग वकील साहब से राय लेंगे उसके बाद ही ना आपको कोई जानकारी हम देंगे। ऐसे हम झूठ सच कोची आपको हमें बोल दें। आप लोग तारापुर कुशेश्वर स्थान भी गए थे, वहाँ चुनाव के लेकर के विपक्ष पार्टी बोल रहे हैं कि बंटू सिंह भी गए थे, लेकिन वहाँ वो सब ऐसा करके गए लग रहा है कि वहाँ कोई है ही नहीं था। मने कि के नहीं था, जिस वहाँ जन समर्थन नहीं था, इस तरह मेरा जन समर्थन नहीं था, आप वीडियो मेरा नहीं देखे हैं, हैं? एक गाँव में छह छह विधायक घूम रहा था, तो झुंड में कौन घूमता है, झुंड में कौन घूमता है आपको ही पता होगा, अब अकेले कौन घूमता है, शेर अकेले घूमता है, झुंड में लोमड़ी गिदड़ घूमता है, समझ गए ना। तू लोग अपना घूम रहा था, हम अकेले घूम रहे थे, किसका जन समर्थन ज्यादा है वो तो गिनतियाँ होगा तबे ना पता चलेगा, ऐसे ही झूठो हम हवा नहीं ना देंगे। अब तो कल ही ना चुनाव है जी, तो कल है पता चल जाएगा कि कौन क्या है नहीं है, 2 तारीख को रिजल्ट भी आ जाएगा, है ना। जन समर्थन है तबे ना बौड़ाल है सब, उतना उतना विधायक मंत्री सब वहाँ अड्डा गाड़े हुए, टेंट समियाना लगाए हुए हैं 25 दिन से राष्ट्रीय अध्यक्ष सब लोग, क्या बोला जाए इस पर, ज्यादा क्या बोले हम, सब जनता जान रहा है, देख रहा है। लेकिन वहाँ पे लग रहा है कि इस तरह से दोनों पार्टी जीत रही है विपक्ष का, के वहाँ पे जो दोनों सीट जीत रही है हाँ। वो तो बोल रहे कि हम एनडीए जीत रहे हैं, तो उसका बोलने का काम है, अब क्या हम बोले इस पर, अब वो कह रहा हम जीत रहे हैं तो हमू तो कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, हैं? लेकिन इसमें सच्चाई कितना है? अब सच्चाई 2 तारीख को पता चलेगा, आप भी पत्रकार हैं, आपका भी टीम उन्ने होगा ना जी तारापुर कुशेश्वर स्थान में, तो आप ही जाके पूछिए कि का जी का लग रहा है, तो आप भी उसका पता कीजिए, आप लोग तो पत्रकार ना हैं, तो पता कीजिएगा ना अपना पत्रकार से। अच्छा, बार बार मोकामा से जो मुद्दा निकल कर आ रहा है वो दाल का कटोरा कहा जाता है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? अब उस पर तो पूछिए जाके नीरज कुमार से, दिन भर बोलता है, उससे पूछिए कि तुम्हारा गांव है, तुम क्या किया अपना गांव के लिए आज तक, जो वहां तारापुर में जाके तुम क्या करेगा, हैं? क्या स्थिति है टाल का ये पता नहीं चल रहा है सबको, हैं? सांसद है वहां के ललन सिंह, तो वो सब जनता समझ रहा है उधर का भी, बाढ़ बढ़िया मोकामा है, समझ गए ना। अच्छा अच्छा के पसेना छोड़ा देता है, क्या कीजिएगा आप, कितना दिन तक, अब ज्यादा नहीं बोल भाई, ठीक है। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।